वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 3, इसमें दिया है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसके अंदर बी ई और सी एफ इक्वल साइड में बी ई, क्या ये बी ई एक लाइन खींची गई है और एक सी एफ लाइन खींची गई है, वो दोनों जो है इक्वल साइड में है, ए सी और बी सी के, ए सी और ए बी के बीच में जो है ये इक्वल साइड के ऊपर लाइन खींची गई है। आपको ये बताना है कि ये जो एल्टीट्यूड्स है यानी ये जो लाइनें हैं बी ई और सी एफ है ये बराबर है, यानी आपको क्या बताना है, बी ई इज इक्वल टू सी एफ। ये बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक त्रिभुज बन रहा है बी ई सी और एक त्रिभुज बन रहा है सी एफ बी, सी एफ बी, सी एफ बी। ये दोनों त्रिभुज अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं कि बी ई और सी एफ बराबर है, इक्वल है। तो ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है ये पता करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके अंदर दिया हुआ है कि ए बी और ए सी जो है ये समान है, क्यों है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजाएं हैं वो समान होती है, ठीक है, दो समान भुजाएं हैं इसीलिए ए बी और ए सी ये समान है। और जब ये दोनों समान हैं तो ये जो कोण जो है दो समान भुजाओं के सामने वाले जो कोण हैं वो भी समान होंगे, यानी कोण जो है कोण बी और सी, यानी कोण ए बी सी ये वाला और कोण बी सी ए ये वाला, कोण बी सी ए समान है। यही पोजीशन इसमें रहती है, हम एक त्रिभुज बी ई सी लेते हैं, देखो त्रिभुज बी ई सी में एक कोण, ठीक है, कोण बी इज इक्वल टू ये जो त्रिभुज बी एफ सी, ठीक है, त्रिभुज बी एफ सी में ये जो कोण है सी इसके बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है इसलिए इनकी दोनों भुजाएं जो है वो भी समान होगी। कैसे होगी, ये जो इसकी ये भुजा है बी ई और सी एफ बी समान होगी। ट्राइंगल बी ई सी और ट्राइंगल बी एफ सी में एक कोण जो है दोनों कोण समान हो गए, ठीक है, ये और ये कोण समान हो गए, तो ये एंगल जो है समान हो गया। और इसी तरह से ये जो एंगल बी एफ सी है यानी ये वाला 90 डिग्री है और ये जो एंगल है बी ई सी ये भी 90 डिग्री है, यानी ये भी दोनों एंगल समान हो गए, ठीक है। दूसरा ए इसमें दो एंगल समान हो गए और तीसरा जो है इसकी साइड, इन दोनों ही ट्रेंगल्स में दोनों ही त्रिभुजों में ये जो साइड बी सी है ये दो कॉमन है, ये इस ये जो ये वाला जो आपका ट्राइंगल है इसमें भी बी सी साइड है और ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें भी बी सी है, दोनों में यानी इसमें और इसमें दोनों में, इसमें और इसमें दोनों में बी सी जो लाइन है वो बराबर है, दोनों में समान है, कॉमन है बी सी बी सी, तो हमारे पास में एक साइड जो है इसकी कॉमन आ गई, यानी ए ए एस या हम कह सकते हैं ए एस ए, ठीक है, ए एस ए जो सिद्धांत है हमारा कंग्रुएंसी का, सर्वांग समता का जो सिद्धांत ए एस ए है उसके अनुसार ये दोनों जो ट्राइंगल हैं कौन सा बी ई सी और सी एफ पी ये सर्वांग सम है, कंग्रुएंट है। अब क्योंकि ये दोनों कंग्रुएंट है इसीलिए रूल सी पी सी टी यानी कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, दो सर्वांग सम त्रिभुजों के जो
एक समान भाग हैं वो बराबर होते हैं, इसलिए हम बी ई और सी एफ, ये बी ई और सी एफ जो है क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुजों की भुजाएं हैं इसीलिए ये दोनों समान है, ये भी हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये हमने प्रूव कर दिया। अब आप चाहें तो इसका उत्तर जो है यहाँ पर दिया हो गया है, आप अपने वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आराम से पढ़िए और लिखिए और समझिए, और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।